साथियों, आज पूरी दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था की गति को देखकर प्रभावित है और इस गति में बहुत बड़ी भूमिका हमारे एमएसएमई सेक्टर की है। इसलिए एमएसएमई आज मैक्रो इकोनॉमी की मजबूती के लिए भी जरूरी है। आज भारत जितना निर्यात कर रहा है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एमएसएमई सेक्टर का है। इसलिए एमएसएमई आज मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत देने के लिए पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने बजट में 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। और इसलिए हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इस सेक्टर से 11 करोड़ से अधिक लोग इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इसलिए एमएसएमई आज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया तो हमने अपने छोटे उद्यमों को बचाने के साथ ही उन्हें नई ताकत देने का भी फैसला लिया। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद एमएसएमई के लिए सुनिश्चित की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे करीब 1.5 करोड़ रोजगार खत्म होने से बच गए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा आंकड़ा बड़ा आंकड़ा है ये। आपदा के समय मिली यही मदद आज देश के एमएसएमई सेक्टर के नए रोजगार के निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हमने इस साल के बजट में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को अगले साल मार्च तक बढ़ाने की भी घोषणा की है। इसके अंतर्गत जो भी इसके अंतर्गत आते हैं उनको भी 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, 10 गुना ज्यादा।